नमस्कार, मैं डॉक्टर जेके और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थ अवेयरनेस विद जेके। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि स्मोकिंग, यदि जो लोग सिगरेट पी रहे हैं और उनको डायबिटीज है तो उसका असर कैसे होता है तथा सिगरेट क्यों नहीं छूटती है, और शुगर और हाइपरटेंशन यानी डायबिटीज और ब्लड प्रेशर में क्या फ़र्क पड़ता है। तंबाकू से क्या होता है कि सिगरेट जो बनता है उसमें तंबाकू मिली रहती है, और तंबाकू में क्या होता है, एक निकोटीन होता है। निकोटीन जो होता है तो वो जब हम सिगरेट क्या करते हैं कि खींचते हैं यानी स्मोकिंग करते हैं, तो निकोटीन जो होता है वो वेपर के रूप में हमारे सीधे किस में जाता है, लंग्स में जाता है। और लंग्स में जब जाता है तो लंग्स का काम क्या है कि जो एयर हम ले रहे हैं उसको शुद्ध करके बाहर हार्ट में पहुंचाना, और हार्ट के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है। तो सिगरेट के वेपर यानी धुएं के साथ निकोटीन हमारे लंग्स में गया, और लंग्स के द्वारा वो हार्ट में और पूरे खून में, वो ब्लड में मिल गया तथा पूरे अपने शरीर में पहुँचने लगा। वो क्या होता है कि हमारे खून के द्वारा दिमाग में भी पहुंचता है, और दिमाग में क्या होता है कि निकोटीन के रिसेप्टर होते हैं जो निकोटीन को अपनी तरफ खींचते हैं और चिपका देते हैं, और एक निकोटीन की लेयर हमारे ब्रेन में बन जाती है। जब निकोटीन की लेयर बन जाती है तो एक नया केमिकल रिलीज होता है जिसको डोपामाइन बोलते हैं। तो अपन सिगरेट स्मोकिंग किए, धुआं के साथ निकोटीन गया और रिसेप्टर के द्वारा चिपक गया निकोटीन की लेयर बन गई, और डोपामिन जब रिलीज हुआ तो हमें बहुत अच्छा लगता है, फील गुड का एहसास होता है, लगता है कि वाह जन्नत मिल गई, बहुत अच्छा लगा, और हम सिगरेट पीते हैं। फिर जब डोपामाइन का असर ख़त्म हुआ तो फिर हम सुस्त हो गए, एग्जस्ट हो गए, और लगता है कि अब तो कुछ है ही नहीं, बहुत सुस्ती, बहुत कमजोरी, और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। फिर हम सिगरेट जलाए, फिर स्मोक किए, फिर धुएं के साथ निकोटीन गया और फिर डोपामाइन रिलीज हुआ, फिर बहुत अच्छा हमको लगने लगा। जो डोपामाइन से हमें फीलिंग अच्छी लगती है, फील गुड का एहसास होता है, वो फील गुड हमें और किसी चीज़ से नहीं मिलेगा, क्योंकि हम निकोटीन के एडिक्ट हो गए हैं, हमें निकोटीन की लत लग गई है। अब वो डोपामाइन तभी रिलीज होगा जब निकोटीन पाएगा। अब ये हमारे शुगर में स्मोकिंग का क्या इफेक्ट है, क्या असर है। तो जब निकोटीन गया लंग्स में, लंग्स के द्वारा हार्ट में और पूरे शरीर में फैला, तो क्या होता है कि वो निकोटीन हमारे पैंक्रियाज में भी जाता है, और पैंक्रियाज में जो इंसुलिन जिससे बीटा सेल से रिलीज होते हैं उनमें भी निकोटीन रिसेप्टर होते हैं, और उनमें भी जाके निकोटीन चिपकता है और बीटा सेल को स्टिमुलेट करता है, जिससे क्या होता है कि इंसुलिन हार्मोन ज़्यादा रिलीज होता है। और जब ज़्यादा रिलीज होगा तो क्या होगा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस बनाएगा। डायबिटीज़ हमें है ही, इंसुलिन रेजिस्टेंस बना ही है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस और बढ़ाएगा तो क्या होगा, हमारा अल्टीमेटली शुगर बढ़ जाएगा। तो ये तो होता है शुगर में रोल। फिर जब बीटा सेल्स को निकोटीन धीरे धीरे नष्ट करने लगेगा, तब क्या होगा, हमारा पैंक्रियाज डैमेज होगा और इंसुलिन हार्मोन निकलना बंद हो जाएगा। तो इस तरह फिर Type 2 डायबिटीज से Type 1 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो स्मोकिंग का क्या होता है असर, स्टार्टिंग स्टेज में तो हमको अच्छा लगता है, हमारा शुगर बढ़ सकता है, लेकिन लास्ट में हमें उससे क्या परिणाम निकलेगा कि हमारा पैंक्रियाज खराब हो जाएगा और डायबिटीज Type 2 जो है वो Type 1 में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर में इसका असर क्या होता है स्मोकिंग का, क्या है कि लंग्स के द्वारा हार्ट में गई क्या निकोटीन वेपर्स के द्वारा, और वो क्या करेगा
कि पूरे खून में तो जाएगा ही, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन तो होल बॉडी में हो रहा है, तो निकोटीन भी पूरे शरीर में जाएगी और वेसल्स को क्या करेगी, वेसल्स के जो इनर लेयर हैं उनमें वो क्या करेगी, जो कोलेस्ट्रॉल है, इंसुलिन है हमारे ब्लड के साथ दौड़ रहा है, उनमें क्या करता है कि चिपचिपापन उसका बढ़ा देता है निकोटीन, और निकोटीन उनमें चिपकने लगता है, जिससे वेसल्स में रिजिडिटी आ जाती है, टाइट हो जाती है और प्लैक बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे क्या होता है एरिथ्रोस्क्लेरोसिस होता है और हार्ट अटैक के चांस बढ़ जाते हैं। ब्लड प्रेशर भी इसी से बढ़ता है, जब हमारी वेसल्स रिजिड हो जाती हैं, टाइट हो जाती हैं और नैरोविंग हो जाती हैं, तो उससे ब्लड हार्ट अटैक के चांस बढ़ जाते हैं। अब लंग्स में कैसे इसका वेपर जाता है, धुआं इकट्ठा होता है, जैसे आपने देखा होगा कि जहाँ खाना बनता है वहाँ पे क्या एग्जास्ट लगा रहता है, एग्जास्ट में आप देखेंगे कि काला काला चिपचिपा सा पदार्थ चिपका रहता है, उसी तरह ये धुआं जा जाके लंग्स में इकट्ठा हो जाता है, लंग्स में जाएगा और चारों तरफ उसमें इकट्ठा हो जाएगा, तो काला काला चिपचिपा निकोटीन चिपक जाएगा, लंग्स गंदा हो जाएगा और ख़राब हो जाएगा। तो स्वस्थ आदमी के मतलब जो इंसान स्मोकिंग नहीं करता है और जो करता है, तो नहीं करने वाले का लंग्स अधिक स्ट्रांग रहता है। अब जब हम स्मोकिंग छोड़ने की बात करते हैं, यदि स्मोकिंग को छोड़ा जाए कि हम धूम्रपान ना करें, उससे क्या होगा, हमें 3-4 दिन की तकलीफ होगी, विड्रॉल सिंड्रोम आएंगे, लेकिन यदि हम अपने मन में बना लें कि हमको स्मोकिंग नहीं करना है, इसमें क्या होगा, स्मोकिंग जब छोड़ेंगे तो हमें बेचैनी होगी, बेचैनी के बाद 2-3 दिन भूख नहीं लगेगी, मानसिक स्ट्रेस आएगा। अब इसको हमको दूर कैसे करना है, यदि हमें स्मोकिंग छोड़ना है तो हमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर लेना होगा, एंटीऑक्सीडेंट हमें ग्रीन वेजिटेबल लेना होगा, सलाद की मात्रा बढ़ानी होगी, मतलब 2 टाइम हमको ऐसे करना है, आप 15 दिन कर दो, 2 टाइम सिर्फ आप ग्रीन वेजिटेबल लो, सलाद लो भरपूर पेट भर, और सिर्फ 1 टाइम आप खाना खाओ, यानी एपिसोड आप ईटिंग जो है आपकी 2 टाइम वेजिटेबल की कर दीजिए, ग्रीन वेजिटेबल कच्चे फूड की, और 1 टाइम खाने की। आपको जब मानसिक स्ट्रेस लगे तो उसको आप कैसे दूर करोगे, फिजिकल स्ट्रेस द्वारा। यदि आपको टेंशन हो रही है तो आप बिल्कुल मॉर्निंग वॉक में निकल जाओ, कुछ नहीं तो आप सीढ़ियाँ चढ़ने लगो, सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़े तो घूमने चले जाओ, इस तरह मानसिक स्ट्रेस को फिजिकल स्ट्रेस द्वारा आप हटा सकते हो। यदि आपने, और आपको क्या होगा, भूख ज़्यादा लगने लगेगी, क्योंकि निकोटीन क्या होता है कि जो अपेटाइजर अपना होता है कि जिससे भूख लगती है, वो हार्मोन्स अपने शरीर में निकलता है, उससे भूख बहुत ज़्यादा लगती है, तो निकोटीन इसको सप्रेस किए रहता है, निकोटीन के वजह से हमें भूख नहीं लगा करती, लेकिन जब हम स्मोकिंग छोड़ देंगे हमारा निकोटीन लेवल घटने लगेगा शरीर का, तो हमें भूख भी लगने लगेगी, तो ऐसा भी फील हो सकता है, भूख ज़्यादा लगेगी तो ये लगेगा हमारा वजन बढ़ रहा है, लेकिन ये सब 1 महीने के लिए, यदि आपने 1 महीने हिम्मत के साथ इन समस्याओं को झेल लिया तो आप सिगरेट आपका छूट जाएगा, और जो सिगरेट से नुकसान हो चुका है वो धीरे धीरे आपका 5 से 6 महीने में बिल्कुल आप स्वस्थ हो जाओगे। तो यदि सिगरेट आपको छोड़ना है और छोड़ने की वजह से आपको फिजिकल मानसिक थकान आ रही, तो उसको आप फिजिकली दूर करेंगे, यदि आपको सुस्ती बेचैनी सब लग रही तो आप बिल्कुल एंटीऑक्सीडेंट यानी फल फूल हरी सब्जियां हरी सलाद इन सब का सेवन करेंगे, इससे आपके सिगरेट के साइड इफ़ेक्ट दूर हो जाएंगे और सिगरेट आपका छूट जाएगा, आपकी डायबिटीज भी कंट्रोल हो जाएगी। तो सिगरेट कभी भी लाभदायक नहीं होगा, आप देखेंगे सिगरेट के पैकेट में लिखा रहता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, गवर्नमेंट ने इतना सब कुछ बना के रखा है, कैंसर का फोटो बना देगा, लेकिन फिर भी लोग बात नहीं छोड़ते। तो आपके जब तक अंदर की इच्छा नहीं आएगी कि हमको सिगरेट छोड़ना है, किसी कहने पर आप मत छोड़िए, लेकिन आप अपने मन के अंदर बना लीजिए, और जब आपके मन में बन जाएगा कि हमें छोड़ना है तभी छूटेगा। आपको एकदम से नहीं छूट रहा तो धीरे धीरे छोड़िए, लेकिन सिगरेट जरूर छोड़ दीजिए। आशा है कि मेरे वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा सिगरेट से होने वाले नुकसान हमारे डायबिटीज में और ब्लड प्रेशर में कैसा असर दिखाते हैं, तथा मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।